जय हिंद दोस्तों, बताएंगे ये क्लास टेन का है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है एकदम, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। जो तुमको विधि बताने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट मेथड, उसको देख लीजिए। तीन चार नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो उसके बारे में बताने जा रहे हैं हम कि ये जो विधि आती है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है देखेंगे क्वेश्चन इसको हम। इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया है 3x + 2 = 18 समीकरण 1, और इसी में दिया होगा 2x - 3 = या 2y 3y बराबर 16 समीकरण 2, ठीक। इसको प्रतिस्थापित करने आपको सवाल करना है, इसको प्रतिस्थापित करके आपको सवाल करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप अपना करिए, ठीक। और हम बता रहे हैं किस तरीके से करना है इसको। देखो इसमें सिंपल एक चीज़ देखो, 2y और 3y इसको क्या करना है, आप लोगों को बराबर करना है किसी तरीके से। तो बराबर करने का तरीका क्या होता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखो क्या होता है, जब इसको बराबर करना होगा तो इस संख्या की इसमें गुणा और इस संख्या की इसमें गुणा। कैसे लिखेंगे हम सोल्यूशन जब करेंगे इसका, लिखेंगे समीकरण वन में तीन से तथा समीकरण टू में दो से गुणा कराने पर, ठीक। इसमें देखेंगे कैसे, समीकरण वन में थ्री से, इस वाले थ्री से, और समीकरण टू में टू से गुणा कराने पर। समीकरण वन उतारेंगे 3x + 2y = 18 और गुणे कर देंगे समीकरण वन में कितने से कराना है, तीन से। दूसरी उतारेंगे 2x - 3y = 16 × 2, अब इसकी गुणा करा देंगे, इसकी गुणा इससे, फिर इससे। कैसे, 3 × 9x + 3 × 6y = 18 × 54 समीकरण बन गई 3। फिर वही प्रोसेस इसमें होगा, 2 × 4x + 2 × 6y = 16 × 16 = 32 समीकरण बन गई 4। अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर समझा दे रहे हैं। समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर तो इसमें समीकरण 3 क्या है, 9x + 6y = 54 समीकरण 3। समीकरण 4 क्या है, 4x - 6y = 32 समीकरण 4। जब इसको हम जोड़ेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 4 × 2 = 6 + 5 = 8 6y और 6y एक प्लस का एक माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 9 × 4 = 13x हो जाएगा, ठीक। और जब x बराबर निकालेंगे तो 86/13 हो जाएगा। तो x बराबर जब निकालेंगे इसको भाग कर देंगे, इसको जब डिवाइड कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे या पर यहीं पर छोड़ देंगे, डिवाइड कर दीजिए या यहीं पर छोड़ दीजिए, डिवाइड करके देखो क्या आता है, 13 × 6 = 78 यानी 86 को जो भाग करेंगे, 3 × 6 = 78 यानी 86 को भाग करेंगे हम 13 से, 3 × 6 = 78 और 78 इधर बचे, हासिल गए 16 में से 8 गए 8, यहाँ पर 7 से कुछ नहीं बचा, यहाँ पर फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 × 78 बार बार यही आएगा, ठीक है। 3 × 78 आया, फिर बचा 2, 0 लगाया, 13 तो इसे 6.62 आ गया, 6.61 सॉरी, ये 62 लिख सकते, क्योंकि जब बार बार वही संख्या आ रही थी तो एक संख्या बढ़ा करके लिख दी जाती है। तो ये एक्स की वैल्यू निकल आई, फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्स का मान, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो निकल आई है लेकिन वाई की वैल्यू नहीं निकली है, तो क्या रखेंगे कि एक्स का मान समीकरण वन में रखने पर, लिखेंगे एक्स का मान समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन आपकी ये है बेटा 3x + 2y = 18 तो 3 की जगह 3 और x की जगह रख देंगे हम 60.62 इंटू
प्लस टू वाई इज इक्वल टू 18। अब देखो क्या होगा, इसकी गुणा करा देंगे, दो तिया छः, दो छंग बारह, दो हासिल लगाए, दो छंग बारह, बारह पॉइंट छब्बीस, टू वाई इज इक्वल टू 18। अब क्या करेंगे, टू वाई इसका पछांतर करेंगे, क्या लिखेंगे, पछांतर जब करेंगे तो ये संख्या क्या होगी, ये वाली संख्या, ये इधर प्लस की है, जब कोई चिन्ह ना लगाओ तो प्लस की है, उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। कैसे, जब 2y बराबर हो जाएगा, 2y बराबर 18 और ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 12.26। तो जब 18 में से घटाएंगे 12.26, 18 में से 12 गया, कितना बचा आपका 6.26 आ जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6.26/2। अब इसको काट लीजिए, y बराबर 3.13 वाई की वैल्यू निकले, और एक्स की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी, 6.62। दैट इज सॉल्व। इस तरीके से आप लोगों को ये सवाल करना है। ये सवाल मतलब प्रतिस्थापन विधि के थे, प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थापित करना, और उसमें एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू जब ही निकलेगी जब इनको आप दोनों लोगों को बराबर कर लेंगे, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, और x की वैल्यू उठा करके हम y की वैल्यू समीकरण 1 या समीकरण 2 में पुट कर देंगे। जब हम समीकरण 1 में ज़्यादा पुट किया जाता है, जब समीकरण 1 में आप पुट कर दोगे तो आपका क्या होगा, सोल्यूशन इसका निकल आएगा, है ना, तब जब पुट कर दोगे तो इसका सोल्यूशन निकल आएगा। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझना है, और क्वेश्चन एक छोड़े दे रहे हैं, क्वेश्चन आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हुआ या नहीं हुआ, या समझ में नहीं आया तो बताएं, ठीक है। 3x + 4y = 12 समीकरण 1, और 2x - 6y = 14। तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को हल करना है, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जय हिंद।